गीजा का पिरामिड, पीसा का मीनार इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। म्यूजियम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वी आर एट वेस्ट ऑफ वंडर, राजीव गांधी स्मृति वन, 2 adults 50 rupees। यहाँ खाने पीने का भी आपको मतलब स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो आपको इस पार्क में पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय हैं, पार्किंग की फैसिलिटीज है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर वो क्या है और क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई हैं वेस्ट में। चलिए दोस्तों, हम आपको घुमाते हैं आज न्यूयॉर्क, इटली, मिस्र, फ्रांस, भारत। आप ये बोल रहे होंगे कि भाई वो भी दिल्ली में घुमाते हैं आपको। अब ये सोच रहे होंगे दिल्ली में भाई ये सारी चीजें कहाँ से आ गई। आ गई। इसका लाने का वजह था, जो मोटिवेशन था वो था बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी को देख कर दक्षिण नगर निगम दिल्ली ने एक थीम जो वेस्ट टू वंडर का थीम बनाया। एक्चुअली कोटा में एक वेस्ट ऑफ वंडर का है जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया पे दिखाया गया है, तो उसी के बेस पे बनाए गए हैं। और जो सातों वंडर्स बनाए गए हैं वेस्ट से, वो हैं मिस्र का पिरामिड, पीसा का झुका हुआ मीनार, एफिल टावर, रोम का कलेजियम, भारत की पहचान विश्व पटल पे इमारत के तौर पे ताजमहल, और कैथोलिक जो प्रैक्टिशनर हैं उनके बीच काफ़ी पॉपुलर रियो रिडीमर ब्राज़ील के, और सातवां फ्रांस का तोहफा अमेरिका के लिए, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर वो क्या है और क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई हैं वेस्ट में। ये पहला वंडर देख पा रहे हैं, गीजा का पिरामिड। और ये तो हम जानते ही हैं कि ओल्ड और न्यू दोनों ही वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में गीजा का पिरामिड थे, और अभी तक शायद मेरे को लगता है कि सबसे पुराना कोई जो मॉन्यूमेंट है जो वर्ल्ड ऑफ वंडर में आता है वो गीजा के पिरामिड ही हैं। अब हम जिस मॉन्यूमेंट के सामने हैं ये है पीसा का मीनार, पीसा का झुका हुआ मीनार। ये यूरोप के पीसा शहर में है। पीसा शहर वैसे यूरोप में काफ़ी फेमस है, और इसका निर्माण अगस्त 1173 में किया गया, और इसका निर्माण युद्धों की वजह से ये लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा, और 12वीं शताब्दी में ये थोड़ा झुकने लगा। तो और इसके जो झुकावट है लगभग 14वीं शताब्दी में जाके मतलब इंजीनियर और लोगों ने मतलब काम करके बंद की गई है इसके झुकावट को। और पीसा के मीनार की जो लंबाई मतलब ऊंचाई है वो 60 मीटर है। इसमें जो चीज़ें यूज की गई हैं, पाइप एंड ऑटोमोबाइल्स, गियर्स, केबल, वायर, व्हील्स, क्लच प्लेट्स भी यूज की गई हैं, टाइपराइटर पार्ट्स यूज किए गए हैं, और कार के व्हील रिम्स का यूज किया गया है। तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वेस्ट थे उनसे वेस्ट टू वंडर बनाया इन्होंने। और आजकल आप देख ही सकते हैं कि ये दक्षिण दिल्ली में, वैसे दिल्ली में पर्यटकों के बीच में अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहली बात तो ये कि हाँ मतलब आदमी कचरे से या जिस चीज़ को स्क्रैप बोलते हैं, स्क्रैप से इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, और अच्छे खासा यहाँ पे देखिए हरियाली भी की गई है। तो काफ़ी बच्चों के बीच भी ये काफ़ी जानकारी साथ हमारे जो वंडर्स हैं, एग्जिस्टिंग नहीं मतलब कभी थे कुछ अभी भी हैं, उन वंडर्स में 7 वंडर्स को यहाँ स्क्रैप द्वारा बनाया गया। ये निजामुद्दीन सराय काले खां निजामुद्दीन के पास है, तो सराय काले काले खां आप मेट्रो स्टेशन उतर के यहाँ से आराम से आ सकते हैं। चलिए अब हम तो दो देख चुके हैं, गीजा का पिरामिड और दूसरा सामने तो दिखाई दे रहा है पीसा का मीनार।
अब हम तीसरे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसको तो आई थिंक सब जानता है, एफिल टावर। ट्रक पेट्रोल टैंक्स के वेस्ट यूज किए गए हैं, फाइव एंगल्स, गार्डन रेलिंग पार्ट्स, गार्डन में जो रेलिंग्स लगे रहते हैं और वेस्ट हो चुके हैं उसका, सी से चैनल्स, उसका यूज करके ये बनाया गया है एफिल टावर। रिपोर्टिंग टू यू एफिल टावर के एकदम जस्ट नीचे से। अब एफिल टावर देखने के बाद अगला मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा जा रहा है। ओके, हम पहुंच चुके हैं चौथे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में, और जहां तक मैं जानता हूं ये रोम में स्थित वो है कलेजियम है, ये आई थिंक वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में भी है, और ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे वो सारी कौन सी मूवियाँ थी, हरक्यूलीस, स्पार्टस सीरीज, और बहुत सारे सीरीज बने हैं ना जिसमें ये एम्फी थिएटर हुआ करता था, लोग मतलब राजा और वो सब बैठते थे, बीच में रंगमंच और लड़ाई वगैरह हुआ करता था। और इसमें जो वेस्ट का यूज किया गया है, मेटल सीट ऑफ ट्रक्स, स्क्वायर पाइप्स फ्रॉम पार्क बेंचेस, कार पार्ट्स एंड गियर, टायर रिम्स एंड ऑटो पार्ट्स। यहाँ सो गाइज, हम चौथे वेस्ट ऑफ वंडर, वैसे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर के पास आ गए हैं। ये कलेजियम है, इटली के शहर रोम के बीच है। पहले ये पवेलियन एम्फी थिएटर हुआ करता था, जिसे ईस्वी 72 में सम्राट वेस्पासियन, बाबे बाबो टफ उच्चारण है, द्वारा कमीशन किया गया था, और यह उनके बेटे टाइटस द्वारा 80 ईस्वी में पूरा किया गया था। डोमिशियन द्वारा बाद में फिर से सुधार की गई इसमें, और कलेजियम रोमन फोरम के ठीक पूर्व में स्थित है। यह बहुत ही विशाल है और अंडाकार की वजह से एक तरफ 188 मीटर लंबा है और एक तरफ 156 मीटर चौड़ा है। कलेजियम में एक साथ करीब 65,000 दर्शक समा सकते थे, समझिए उस समय 80 और 72 के समय इतना बड़ा एम्फी थिएटर बनाया गया था जिसमें 75,000 दर्शक समा सकते थे। स्थान रोम और इटली, लगभग कुल मतलब यदि परिमाप देखा जाए तो 6 एकड़ में ये बना हुआ था अपने समय। तो अब तक हम मिस्र घूम आए, बीच में कौन पड़ा था, पेरिस भी घूम आए, और पीसा घूम आए, अब ये चौथा इटली भी घूम आए। अब बढ़ते हैं पांचवे वेस्ट ऑफ वंडर, बट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स में। बीच बीच में पूरा पार्क में हरियाली भी रखी गई है, उसका भी ध्यान दिया गया है कि मनोरंजन के साथ पर्यावरण भी थोड़ा सा यू नो साफ सुथरा हो जाए। भी तो एफिल टावर के ऊपर एक बाज बैठा हुआ है, चील है या बाज, ये देखिए चील और बाज बैठा हुआ है। ओ माय गॉड, अगले वंडर्स को बताने के लिए आई थिंक भारत में तो जरूरत नहीं है। शाहजहां, वो अपनी तीसरी पत्नी मुमताज के याद में बनाए थे। यह 1632 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था और लगभग 1648 ईस्वी में जाके समाप्त हुआ था। ऊंचाई है 35 मीटर है। बेस्ट यूज किए गए हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पाइप, ओल्ड यूटेंसिल्स, साइकिल टायर रिम्स, एंगल्स, स्प्रिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजन, नट्स एंड बोल्ट। यानी जहां तक मैं मुख्यतः देख पा रहा हूँ, सब में जो वेस्ट पार्ट यूज किए गए हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब कार, ट्रक और साइकिल्स, पार्क के बेंचेस से, इसमें एक नया वेस्ट यूज किया गया, दैट इज ओल्ड यूटेंसिल्स।
तो अब ताजमहल से निकला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है अगले वेस्ट ऑफ वंडर के पास। देखे क्या है, हर जगह पार्क में लिखा हुआ है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और अभी की स्थिति में ओमिक्रॉन की स्थिति में तो जरूरी है। आज जो मेरा फेवरेट पोज है ये वाला, कम से कम रियो रिडीमर के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है। सो रियो रिडीमर कैथोलिक, जो कैथोलिक प्रैक्टिशनर है उनका सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है ये। यह ब्राजील के डी जेनेरो रियो शहर में दिखता है। इसकी अगर एक उंगली से दूसरी उंगली तक, मतलब हाथ की यदि छोर की दूरी मापी जाए तो 28 मीटर है, और यह प्रतिमा का निर्माण 1927 में शुरू हुआ था और 1931 में पूरा हुआ। और ये प्रतिमा का इस, मतलब जो है यदि पूरी ऊंचाई देखी जाए तो 30 मीटर है, जिसमें प्रतिमा ही 30 मतलब 38 मीटर टोटल स्मारक की है और 30 मीटर प्रतिमा की है। और यह प्रतिमा रियो रिडीमर की प्रतिमा कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पे स्थित है ब्राजील। इसमें जो वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, गियर एंड ऑटो पार्ट्स, पार्क बेंच पार्ट्स, रिक्शा पार्ट्स, स्प्रिंग एंड साइकिल चैन्स, ये 4 का यूज किया गया है, देख सकते हैं आप। रियो रिडीमर से आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आखिरी वेस्ट टू वंडर के पास पहुंचते हैं, शायद जहां तक मुझे पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगी। यस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही है, यू कैन सी इट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इवन दिस इज वेरी नोन टू वर्ल्ड, आधा ज्यादा हॉलीवुड मूवियों में कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये। एक्चुअली स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका के बीच की दोस्ती की निशानी है। मतलब फ्रांस ने इसे अमेरिका को गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था अमेरिकी क्रांति के सफल होने पे। ये तांबे का बना हुआ है, 1984 में फ्रांस ने बना के 1984 में बना लिया था, बट 85 में न्यूयॉर्क के बंदरगाह पे ले आया इसको, और 1886 को इसे स्थापित कर दिया गया। तो ये था कि ये मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाएगा फ्रांस, और इसका जो चबूतरा है वो बनाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो उनके बीच की दोस्ती को दर्शाता है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आइए देखते हैं इसमें कौन से वेस्ट यूज किए गए हैं। इसमें जो वेस्ट ये सारे वेस्ट यूज किए गए हैं, टायर रिम्स, रिक्शा पार्ट्स, पार्ट रेलिंग, पार्क रेलिंग पार्ट्स, पाइप्स एंड कार पार्ट्स एंड साइकिल चैन्स। और जाते जाते याद आ गया कि यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर। लव यू गाइस, सी यू एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सच अपकमिंग यू नो इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रैवलर और टूर काइंड ऑफ वीडियो इन अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू गाइस, बाय। अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वेस्ट टू वंडर घूम लिया गया है और अच्छा लगा। 7 एक्चुअली मुझे ये 7 जो वंडर्स हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान भी मिला, तो इसी ज्ञान के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड द वीडियो।